हमारे अजय कुमार पांडे बाबू जी प्रधान प्रत्याशी है। ये बाबू साहब हमारे भैंस की नारीपुरी धरती निवासी है। 101 रुपए का पुरस्कार करते हैं। इस सिंह को देख के पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे भैया। सच कह रहा हूं भैया, कत्ता हूं न जईबे बिना, कत्ता हूं न जईबे, कत्ता हूं न जईबे बिना, कि बोले बिना, कत्ता हूं न जईबे भैया कि भैया हमरे राम जैसे भौजी हमर सीता, भैया हमरे राम जैसा कि भैया हो, भैया हमरे राम जैसा भौजी हमर सीता, भौजी हमर सीता, भैया भौजी हमर सीता, भैया हमरे राम जैसा भौजी हमर सीता। उनके बचाया गे राम जैसे गीता, उनके बचाया गे राम जैसे गीता, भैया राम जैसे गीता, भैया घर है मैं करे हेलो हम चलते हैं। हेलो हाँ, हमारे पूरे विश्व नदी के प्रधान श्री अजय कुमार पांडे जी इस सीन देखते हुए 101 रुपए का पुरस्कार करते हैं। हमारी पार्टी प्रधान जी को बार बार प्रणाम करती है और आशा भी है कि फिर हमारे प्रधान जी भारी मतों से प्रधान होंगे। बनौले अविनाशी हो सन्यासी भोले डमरू बजा, मैं कहां नहीं मां को ढूंढा, अब पिताजी को ढूंढा लेकिन कहीं नजर नहीं आए। भैया भैया कहीं नजर नहीं आए तो यही कुछ देर बैठकर आराम कर लीजिए, हो सकता है भैया भाभी दोनों साथ में आते हो। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। शुभम पापा, शुभम मेरे बच्चे, क्या बात है, क्या बात है, तू रो रहा है। पापा मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढा, और माँ की भी माँ को भी ढूंढा लेकिन कहीं भी नजर नहीं आई। माँ आप तो आ गए लेकिन माँ घर नहीं आई। पापा उस कुल्टा का नाम मेरे सामने मत ले। क्या कह रहे हो, उस कुल्टा का नाम मेरे सामने मत ले। जानता है आखिर माँ ने ऐसा क्या अपराध किया पापा? तेरी माँ ने क्या नहीं किया रे, तेरी माँ खूनी है। अरे तेरे मुन्ना का कत्ल तेरी माँ ने ही कर डाले। पापा आप होश में आइए। क्या माँ, क्या कोई माँ अपने औलाद का खून कर सकती है? इस सबाब को भरम हुआ है पापा, माँ खून नहीं किए, मेरे भाई को नहीं मारी होगी पापा।
नहीं मारी होगी। तेरी माँ मुन्ना को नहीं मारी है तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बच्चे का कातिल कोई और है, मेरे मुन्ना का कातिल कोई और है। जब इस घर में हमारे ऊपर इतना बड़ा सितम डाल सकती है हमारी दादी दादा, क्या एक नजर उनकी भी तरफ देखिए पापा, क्या वो ये सब नहीं कर सकते हैं? क्या वो नहीं मार सकते हैं? हाँ मुन्ना, तेरी माँ पर मैं कोड़े चला रहा था, तेरी मम्मी को मैं मार रहा था, तेरी मम्मी तड़प रही थी और कह रही थी कि शुभम के पापा मुझे काट डालिए मार डालिए, लेकिन मेरा यकीन करिए कि मैं मुन्ना का कत्ल नहीं की हो, लेकिन मैं इतना बेदर्द हो गया रे, इतना कठोर हो गया कि अपनी ही औरत पर इतना जुर्म ढहा दिया। ना जाने तेरी मम्मी कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरे बच्चे। पापा मैं सब जगह माँ को ढूंढा लेकिन माँ कहीं नहीं नजर आई सिवाय शमशान घाट के। पापा हाँ शमशान घाट पर चलो, हम चलो हम बाप बेटे शमशान घाट पर चलो, माँ को ढूंढ कर लाए। मरियानी चमेला, अब तो रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए। हाँ तो हो, अब बचे हैं हम और तुम, चाहे जैसे रहेंगे चाहे कुछ भी करेंगे किसी का भय नहीं है, तो थोड़ा आस कुछ जा। हाँ बोलो, बैठ जा। ए रतिया सना ना ना होई मोरे राजा, कैसे आराम करी? अरे ओ राजा, एक प्रधान जितना आई हाँ, उनका हम 10-20 लड़का पैदा कर खुद ही वोट दियो जिताई। अरे चरर मरर बोल चार पाई हो, चरर मरर बोल चार पाई हो, हम क्या भूला कल का
मरर चरर मरर चरर चरर मरर बोल चार पाई हो हमके भुयाल साथियों आज या तो काली चरण रहेगा या तो सुनील रहेगा। शाला दोनों प्राणी मिलकर मेरे मासूम बच्चे को मार डाले और मैंने झूठे झूठे अफवाह में फंस करके अपनी औरत को मार के भगा दिया, लेकिन असली कातिल काली चरण और चमेला बाई है। अब मजा आएगा, तेरा बाप पास आ रहा है काली चरण। काली चरण कुत्ते मेरे घर में खूनों की होली खेलकर यहां खुशियों की दीपावली मना रहा है। मेरी बात सुन, मार डाला था तू मेरे मासूम को खून से आज तेरे नहाऊंगा मैं। काली चरण तेरा बेटा सुनील तेरे सामने तेरा दुश्मन बन के आ गया है। मेरे मासूम बच्चे को मार करके यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है। इधर आ रहे हैं चमेलावा, चल इधर। मैं तुझे सगी माँ से ज्यादा मानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरे ही घर में इतना बड़ा कारनामा मेरी सौतेली माँ करेगी। मेरे मासूम बच्चे को कौन मारा है, मेरे मासूम बच्चे को कौन मारा है? ऐसे धीरे से बोला बेटवा, बताना है कौन दही जरा के नातिन बतार गाड़ी हमारे नातिक मारी डाल भाई। मेरे मासूम बच्चे को तू नहीं मारी है ना? इधर चल माँ, जब तू मेरे मासूम बच्चे को नहीं मारी है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं अपनी माँ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आए बेटवा, समझदार है बेटवा, काफी समझदार है भैया। हाथ तो नहीं उठाऊंगा चमेला, लेकिन आओ तेरी लाश उठाऊंगा जरूर। मरने के लिए तैयार हो जा, तू मेरे बच्चे की कातिल है। नंबर ये सुनील भाई रुक जा, ये एक दिल पाव आगे बढ़ाना नहीं, भोज डालूंगा मैं गोलियों से। सुनो नाम काली चरण मेरा जाना नहीं। क्या समझ रखा है अपने आप को? गोली मारेगा साले अपने बाप को? तेरी इतनी बड़ी औकात बोल। काली चरण, धोखे से तूने मुझ पर वार किया है, मैं तेरा खून हूं, इस खेल में मैं तुझसे हार गया। तेरे हाथ में पिस्तौल है, जैसे मेरी माँ को मार डाला, जैसे मेरी औलाद को मार डाला, मार डाल मुझे। ये सुनील मरने के लिए तैयार है, मैं जीना नहीं चाहता हूं। क्या मेरी रानी चमेला? बोलो, आ गया साला उठ पहाड़ के नीचे। मार डाला हर जगह के। इधर चलो तुम। हाँ खड़ा हो जा, बुलाना जिसको बुलाना हो साले, आज मैं तुझको इस दुनिया से जुदा कर दूंगा। नंबर एक, नंबर दो। क्यों अभी तो देख रहा था। नंबर एक, नंबर दो।
क्या जिन मारा मर का मर रह गया साला बोला क्या बे आप बोला अब हम कहाती है हाँ बोलो नंबर एक नंबर दो अच्छा बेटवान कर क्या रहा ना बेटा शुभम तुम आ गए हमारे पिता के ऊपर गोली क्यों चला रहे हो नहीं बेटा मैं तो सिर्फ इसको धमका रहा था ऐसी कोई बात नहीं है अरे तुम्हें सोचो ये मेरा बेटा है मैं इसको गोली मारूंगा शुभम शुभम अगर वक्त पर तू ना आया होता सुमन ने आया होता तो आज मुझे भी खत्म कर दे दोनों प्राणी मिलकर के चमेला को तो मैं सजा नहीं दूंगा सुमन चमेला तेरी माँ है भले ही मेरे बच्चों की कातिल है लेकिन मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा हाँ अपने बाप पर तो हाथ उठाऊंगा मैं ये साला मेरी माँ को मार डाला है तभी से इसको देख कर मेरा खून खौल रहा है मुन्ना पहले तू अपनी माँ से मिल उसके बाद मैं अपने बाप से मिलूंगा माँ इधर आओ अब तो आपकी अब तो आप ठीक हो गई होगी ना बिटवा हाँ माँ बोलो वाह माँ वाह बहुत प्यार करती हो बच्चों से अपने बेटे से ना माँ बहुत प्यार करती हो लेकिन एक बात ये बता माँ अरे जब तू अपने सगे बेटे की नहीं हुई और को क्या हो गई देख माँ मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा एक बात पूछूंगा मेरे मासूम मुन्ने को चहल कौन पिलाया मेरे मासूम बेटे को कौन मारा तू केवल बता दे माँ तुझे कुछ नहीं होगा हमारे कसम बेटवा कुछ न होए माँ तुम्हारी कसम तुझे कुछ नहीं होगा बेटवा अरे खड़ा होई खा देखा था भैया अरे हमका जान से मार डाला हम यह दुनिया में जी की का करब अरे हम तो तना डायन पिछा से नहीं आई बेटवा कि यह दुनिया में हम मुंह दिखावे काबिल ना रह गए बेटवा लेकिन क्यों माँ क्यों माँ आप तो बहुत अच्छी माँ है बच्चों से बहुत प्यार करती हो कैसी माँ हो माँ कि तुम मरना चाहती हो ये आपके दोनों बेटे आपके सामने खड़े हैं तुम मरना चाहती हो क्यों माँ बेटवा जवान कुछ पूछा था सही बात है बेटवा जवान कुल हम किए हम इन किए दूसर के कुछ ना किए बा तो एक बात भी बताना होगा माँ जिस दिन तू मेरे लिए भोजन लेकर आई थी उस भोजन में क्या मिला कर लाई थी माँ हाँ, उस भोजन खाने के बाद ये तो सच था माँ कि मुझे मर जाना चाहिए था लेकिन उस मालिक का एहसान है मेरे ऊपर मुझे एक नई जिंदगी मिली मैं तो केवल पागल हो गया था लेकिन उनका बहुत एहसान है क्या मिलाई थी माँ तुम बता सकती हो क्यों मिलाई थी किस लिए मिलाई थी आपकी लालच और आपकी हबीस क्या थी मेरे लाल हम तो कम मारे जान से मारे बिना लखी रे बेटवा जहर मिला रे भैया अरे जहर मिला रे तू खड़ा हो का देखा था मर जाएगा भाई अरे तुम्हारे जैसे मैं पापी नहीं बनना चाहता हूँ समाज में मुझे जीना है समाज में रहना है तुम्हारे जैसा जिंदगी नहीं जीना है माँ मैं जिंदगी जीऊंगा लेकिन अब अपने तरीके से जीऊंगा आपके पास नहीं रहूंगा और अगर मैं रहूंगा तो अपने बड़े भैया अपने भाभी माँ के पास रहूंगा तुम्हारे साथ में नहीं रहने वाला हूँ बाबूजी अरे आप तो इस घर के मुखिया थे इस घर को चला रहे थे आप ये सब करके तुम्हें क्या मिला बाबूजी बताइए क्या मिला आपको क्या बताऊं मेरे लाल ये सब कुछ मैंने किया सिर्फ चमेला के कहने पर किया हमारी गलती को माफ कर दो मेरे बेटे मैं अब ऐसी गलती जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा बाबूजी मैं आपकी गलती तो माफ कर दूंगा इसलिए कि मैं आपका सगा बेटा हूं लेकिन मेरा बड़ा भाई अगर वो माफ करेगा तब मैं माफ करूंगा
इसलिए कि संसार में कोई ऐसा सौतेला भाई नहीं होगा कि जो बाप का प्यार देगा। बाबूजी आपसे अच्छे प्यार मेरे बड़े भैया ने दिया, आपका प्यार तो वो था कि आप हम लोगों को तड़पाना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे, लेकिन मेरे बड़े भैया का प्यार ऐसा था कि हम लोगों के लिए दर बदर की ठोकरें खाते थे, परदेश चले गए।